ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्क्रब टाइफस का कहर, अब तक 320 के करीब मामले आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद दुरुच ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को हर बुखार पीड़ित के प्रारंभिक स्तर पर जांच के आदेश पारित कर दिए हैं। क्षेत्रीय अस्पताल में प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्क्रब टाइफस के 320 के करीब मामले आ चुके हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद दुरुच ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों को हर बुखार पीड़ित की प्रारंभिक स्तर पर जांच के आदेश पारित कर दिए। क्षेत्रीय अस्पताल में प्रशासन ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पताल में बुखार से पीड़ित आने वाले हर व्यक्ति की प्राथमिक स्तर पर जाँच के आदेश दिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि रोग एक जीवाणु विशेष यरिकेट्सिया से संक्रमित माइट के काटने से फैलता है, जो खेतों, झाड़ियों, घास में रहने वाले चूहों से पनपता है। उन्होंने बताया कि आज जीवाणु चमड़े के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, स्क्रब टाइफस बुखार को पैदा करता है। खेतों में, झाड़ियों में काम करते समय पूरा शरीर ढक कर जाएं। बुखार कैसा भी हो, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं, खुले में शौच ना जाएं, घर के आसपास के वातावरण को साफ रखें, बुखार आने पर डॉक्टर को दिखाएं। स्क्रब टाइफस में डेंगू और टाइफाइड की तरह बुखार आता है और प्लेटलेट्स कम होने की संभावना रहती है। बुखार आना, शरीर पर दाने निकलना, काफी अधिक खांसी आना इसके मुख्य लक्षण है। 11 पॉजिटिव पाए गए थे और लगभग इतने पिछले साल की अगर तुलना में करें तो पिछले साल भी लगभग इससे थोड़े 5 से ज्यादा ही थे। जो टोटल केस अगर हम 320 की फिगर को हम टैली करें तो इतने केसेज है। जो स्वास्थ्य केंद्र, जो कि हमारी सबसे बड़ी छोटी इकाई होती स्वास्थ्य संस्थान की, वहां तक मैंने डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन अवेलेबल करा दी गई और दवाइयों की हमारे पास कहीं भी किसी स्तर पर कोई कमी नहीं है। आज से कुछ 6 महीने पहले से ही राइट फ्रॉम हमारे जो छोटी का ये जमीनी सर से गांव पंचायत इसमें को इन्वॉल्व करके हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर के द्वारा घर घर जाके इसके बारे में कि बीमारी क्या होती है, कैसे फैलती है और इससे कैसे बचाव किया जाता है, इसके बारे में जो शुरू से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सर, लोगों से यही निवेदन रहेगा कि अब जैसे कि घास काटने का टाइम होता है तो जब भी वो इसमें फील्ड में जाएं तो पूरे कपड़े पहन के जाएं, नंगे पांव वहां पे खेतों में काम ना करें और साफ सफाई रखें, अपने घरों के पास भी पूरा करकट जो है खड़ा ना होने दें।